बेटा मैं क्या कर सकती थी? देखो मेरे भाई की बची कुची इज्जत को बचाना तो मेरा फर्ज था ना। एक ही एक मेरा भाई है, उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? भाई की इज्जत बचाने के चक्कर में आपने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। जिंदगी तो बहना ने हम सबकी कुर्बान की है, बहुत जुल्म किया उसने हम सबके साथ। इस छोटी सी बात के लिए आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ बुलाया, ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? मेरी तो जान निकल रही है ना। तुम सब में मैं क्या कर सकती हूँ? तुम उसे फोन करो और उसे वापस बुलाओ, तुम्हारी सुनता है वो? आपकी नहीं सुन रहा, मेरी सुनेगा। ऑब्वियसली तुम दोनों ही तो एक दूसरे के सुनते हो। तुम्हारे डैड ने कहा है कि तुम्हारे और हमदान की मंगनी से पहले ना रजा को इस घर में वापस होना चाहिए। मेरी और हमदान की एंगेजमेंट? हम आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कल हो रही है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने कोई अजीब बात कर दी है। मॉम मैं और हमदान अभी शादी नहीं कर रहे। क्या क्या कह रही हो, पागल हो गई हो तुम? यही बात तो मैं सुबह आप दोनों को बताने की कोशिश कर रही थी। I don't understand। कल तक तो तुम मर रही थी उससे शादी करने के लिए, अब तुम ये क्या बोल रही हो? अच्छा मॉम इतना स्ट्रेस मत लें, प्लीज आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। I don't understand what's going on। क्या सुनू, रजा काफी था कि तुम भी साथ जुड़ गई हो उसके। मॉम प्लीज आप ये पानी पिए, आप परेशान नहीं हो, लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताती हूँ ना सारी बात। अगर हमदान को वक्त ही देना था तो फिर ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? किसको पागल बना रही हो तुम? अच्छा वैसे वो रिंग तो दिखाओ, बड़ी प्यारी लग रही है। पता नहीं अब क्या होगा, फंसवा दिया तुमने मुझे। छोड़ो ये फोन अब। अच्छा देखो तो सही रिप्लाई आया है कि नहीं। मैं अम्मी के कमरे में बैठा हूँ, मेरी चाय वहीं बना के ले आओ। और हाँ 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमदान ने सारी बात मुझे खुद एक्सप्लेन की है। वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो जो कह रहे हैं उसमें ऐसी भी कोई गलत बात है। क्या कहा उसने तुमसे? मॉम हमदान को लगता है कि उनका करंट स्टेटस हमारे मुताबिक नहीं है, उनको खुद को स्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम शादी कुछ टाइम के लिए आगे कर दें तो। और तुम उसकी बात मान गई हो? हम मैं उनकी बात कैसे ना मानती, वो ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में कर रहे हैं। हम उनको लगता है जिस लाइफ स्टाइल की मैं यूज टू हूँ, मेरे लिए उनके साथ उस छोटे से अपार्टमेंट में रहना मुश्किल होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि वो मेरे लिए एक अच्छा खूबसूरत सा घर खरीद सकें। तो आप बताएं इसमें क्या गलत है? ये तो सब तुम्हारे डैड भी तुम दोनों को दे सकते हैं। नहीं मॉम, हमदान नहीं चाहते कि वो किसी से भी किसी तरह का फेवर लें, और मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। डैड से क्या कहोगी, उन्होंने तो सारे प्लान्स आगे के बनाए हुए हैं। हम प्लीज डैड से आप बात कर लें, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगी। बहुत डांटेंगे मुझे, ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? तुम रजा को फोन करके पाकिस्तान बुलाओगी और अपने प्लान्स के बारे में बिल्कुल नहीं कहोगी कुछ उससे। अच्छा ठीक है,
आप जो भी कह रही हैं वो मुझे मंजूर है, मैं रजा से बात करूंगी, लेकिन मॉम प्लीज आप डैड को कन्विंस करें। मैंने हमदान से प्रॉमिस किया है और मैं नहीं चाहती कि इस दफा कोई भी, हम में से कोई भी उन पर किसी किस्म का कोई प्रेशर डाले। अमजद ने मुझे इतना डांटना है ना, तुम लोगों ने हमें पागल किया हुआ है, कभी कुछ कहना होता है कभी कुछ कहना होता है। आई एम सो फेड अप ऑफ बोथ ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, कांस्टेंट ड्रामा इन दिस हाउस। एंड ट्रस्ट मी हमदान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी, बस आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? वो ये कि आप हर हाल में सिर्फ मेरे होकर रहेंगे। वादा करें? साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। स्ट्रॉन्ग सी कॉफी पिला दीजिए प्लीज, सर में दर्द हो रहा है। साहब जी आज कॉफी जो है ना बीबी आपके लिए बनाई है। अच्छा, और आज तो गुड़िया बीबी आ गई। तो ऐना कहाँ थी? ऐना पढ़ाई कर रही थी यहाँ पे बैठ के, बड़े मुश्किल से जान बचाई है साहब जी, बाल बाल बच गए। आमना सामना तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, आमना सामना नहीं हुआ साहब जी, बस मैं तो जल्दी जल्दी सारे सामानों को समेटा, उसके बाद इधर उधर रखा मैंने। फिर क्या बोल रही थी? इज्जत हो गई आज। कुछ कह रही थी क्या? नहीं नहीं कुछ कह नहीं रही थी, बस सामानों को इधर उधर देखा उन्होंने, इधर उधर वह बहुत गौर से सारी चीजों को देख रही थी साहब जी। अब ये नई क्या बकवास है? ये हमदान और गुड़िया का एक जाती फैसला है। मैं इनके किसी किस्म के बचकाना फैसले को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके पीछे किसकी चाल है। किसी की चाल नहीं है अमजद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ मैं, ये सब तुम्हारे बेटे को बचाने की साजिश है। मेरे सामने हमदान ने गुड़िया से शादी करने की हामी भरी है। तो मना तो अभी भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ चाह रहा है कि उसकी सोशल स्टैंडिंग और स्टेटस ठीक हो जाए। स्टेटस? ओ भाई, मेरा वाहिद दामाद है, पैसों का अंबार लगा दूंगा उसके पैरों में। वो ही तो नहीं चाहता अमजद, अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहता है, अपनी बीवी को वो सब देना चाहता है जो उसका हक बनता है, उसे हर्ज तो नहीं है। शादी गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं होता, क्या आज खेल लेंगे कल नहीं खेलेंगे। भाई बुजुर्गों ने जो फैसला किया है वो ठीक है, मैंने तारीख बता दी है लोगों को, मैंने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, मैं कैसे I don't understand this. Dad, please, आप एक मर्तबा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करें। हाँ बेटे, यही सोच रहा हूं मैं कि मेरी बेटी किस तरह मेरे जज्बात से खेल रही है। Dad, please, आप एक दफा मेरी बात तो सुने। तौबा, सुन ले अपने डैड की बातें। मैंने तुमसे कहा था ना, जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती तो हो नहीं। आप टेंशन ना ले, मैं डैड से खुद बात कर लूंगी।
प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अब कुछ मत कहना किसी से भी, ठीक है? सिर्फ अपने भाई को फोन करो और बोलो फौरन वापस आए, दैट्स इट। मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्टल चली जाऊँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हॉस्टल चले जाने से सब मसले खत्म हो जाएंगे? कम से कम रोज रोज जो सर पे तलवार अटक रही है वो तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होता, गुड़िया को हर 6-8 महीने बाद जोश चढ़ता है घर को साफ सुथरा करने का और उसका ये शौक पूरा हो गया होगा। शादी के बाद भी तो मुझे यहाँ से जाने ही है, तो बेहतर है कि मैं भी चली जाऊँ। ऐना, शादी डिले हो चुकी है, जब तक तुम किसी काबिल नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये बात अब तक तुम्हें समझ लेनी चाहिए ऐना। क्या शांजे को ये बात समझ में आ गई है? हाँ, डिले से शांजे को कोई एतराज नहीं। वैसे बहुत मोहब्बत करती है वो आपसे। आज छोटी छोटी चीजों पे जिस तरह से फिक्र करी थी आपके लिए मुझे बहुत अलग लगी। अलग मतलब? अलग मतलब बहुत घरेलू सी प्यारी सी लड़की, सबका ख्याल रखने वाली, अपने भाई की तरह नहीं है। हाँ, गुड़िया अलग तो है, और जहां तक रजा की बात है वो तो बिल्कुल पागल है। एक बात पूछूं? पूछो। आपने कभी रजा से पूछा कि उसने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया? क्या उसको बताया कि उस रात मेरे साथ क्या कुछ हुआ? ऐसी बातें पूछने का आप कोई फायदा है क्या? उसे एक गलती ने मुझे सारी जिंदगी के पछतावे में डाल दिया। मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल कर दिया गया और मेरी बहन की उस्मान से शादी करवा दी गई। हम तो बर्बाद हो गए और आप कहते हैं मैं पूछूं भी ना। ऐना, रजा के करीब ये सब कुछ एक मजाक और शुगल था, टाइम पास और कुछ भी नहीं। वो तो अक्सर ऐसा करता है। ये तो तुम्हारी हमाकत थी जो तुम बगैर सोचे समझे यहाँ चली आई। हमदान उसने मुझे खुद बुलाया था, उसने कहा था कि वो मर जाएगा, मैं उसको कैसे मरने देती। मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन है ना, तुम ये बात साबित तो नहीं कर सकते ना? अगर कर दिया तो इससे क्या होगा? बताओ ना क्या होगा? ना तो वो वक्त वापस आ सकता है और ना ही तुम्हारे लिए वापसी का दरवाजा खुल सकता है। कम से कम आपकी नजरों में तो सुखरू हो सकती हूँ ना। मुझे इतना तो यकीन होगा कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको मेरी बेगुनाही पे यकीन है। मैं तुम्हें बेगुनाह समझता हूँ ना, मैं जानता हूँ, और तुम्हें किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं, क्योंकि मुझे हमदर्दी नहीं इज्जत चाहिए। हमदर्दी चुभती है और मेरा दिल करता है कि मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बताऊं कि मैं बेकसूर हूं।
एक दफा रजा का गिरबान पकड़कर उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मैं बुरी नहीं हूं, मैं बुरी बना दी गई। मेरा दिल करता है कि मैं चीख चीख के सब लड़कियों को बताऊं कि कभी किसी मर्द पर भरोसा मत करें। किसी के कहने पर घर से कभी कदम ना निकालें, वरना वापसी का रास्ता किसी रजा जैसे इंसान की वजह से बंद भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि कभी किसी का भी हाल मेरी तरह। प्लीज एना, रिलैक्स करो। जो भी हो गया वो वक्त गुजर गया, उसे भूल जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। तुम एक स्ट्रांग लड़की हो, मजीद स्ट्रांग करो खुद को, आगे बढ़ो। खुद एक इबरत का निशान बनने की बजाय दूसरों के लिए एक मिसाल बनो कि लड़कियां तुमसे कुछ सीख सकें। प्लीज एना, मैं चाहता हूं कि कोई लड़की दोबारा रजा से या रजा जैसे लड़के से धोखा ना खाए। कोई भी लड़की, तुम उनके लिए मिसाल कायम करो। और तुम ज्यादा स्ट्रांग हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, एजुकेशन हासिल करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं बस यही चाहता हूं। I'm sorry. ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। It's okay. मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अच्छा लगा। और तुम कभी भी कह सकते हो। हमेशा है ना, मैं समझता हूं कि तुम और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं। शायद हमारी मंजिलें जुदा हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रास्ता एक ही है। क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने इस रिश्ते को मजीद मजबूत करें, ताकि एक दूसरे की जिंदगी को आसान बना सके। प्लीज वापसी को आपने अपने दिमाग पर सवार क्यों कर लिया है? इस वक्त मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, आप ये सोचें कि मुझे इससे कैसे निकालना है? तुम एक काम करो ना, हमदान को फोन करो और उसे कहो तुम्हें कुछ पता नहीं था। वो मेरी कॉल अटेंड करेंगे तो मैं कोई बात एक्सप्लेन करूंगी ना उनको। मॉम, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम जिद ना करें। देखें, अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो हम उनकी बात मान लेते हैं ना। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी किसी किस्म की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। एंड नो डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक एट ऑल। तो फिर इस मसले का हल तो नहीं निकल सकता ना? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं सरेंडर कर जाऊं? आई विल नॉट डू दैट, इट्स नॉट हैपनिंग। माय गॉड, जिद्दी बच्चों के जिद्दी बाप। बिल्कुल आप पे गए हैं बच्चे और बीच में मैं पिस रही हूँ। आपकी शय पे वो ये कर रहे हैं, नहीं तो मैं देखता किस तरह मेरी बात ना मानते। अच्छा बैठ जाए, जस्ट कूल ऑफ। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है ना तो आज के बाद मैं आपके किसी मसले में भी ना दखल अंदाजी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, आप ही हैंडल करें सारा। गुड, तो बच्चों को बता दो कमिंग सैटरडे गुड़िया और हमदान की मंगनी कर रहा हूं मैं। लेकिन अमजद। कोई लेकिन वेकिन क्यों, कैसे नहीं होगा। दिस इज माई लास्ट डिसीजन, दैट्स इट।
ओके फाइन अप टू यू आई वोंट से एनीथिंग यस ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है जिसको लेकर इतना ज्यादा परेशान हुआ जाए मैं तो कुछ और ही सोच रही थी क्या समझ रही थी मुझे लगा कि आप किसी और को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है सर ये बड़े साहब ने भेजा है आप चाहिए सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया नहीं ऐसा नहीं आप खुद क्यों आए मुझे बुलाया होता मैं आ जाता बेटे मैं खुद तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था और जो मैंने देखा है आई डिडंट लाइक इट दरअसल अंकल ज्यादा बेहतर तो ये होता कि मैं खुद से घर खरीद के गुड़िया के नाम करता तो ऐसा समझ लो समझो कि तुमने कंपनी से लोन लिया और घर खरीदा और गुड़िया के नाम कर दिया सो व्हाट हाँ वैसे भी एमडी हो तुम कंपनी के कंपनी ओज योर हाउस एंड कार टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा तो फिर जैसे तुम्हें मुनासिब लगे वैसे कर लो बेटा कंपनी तुम्हें फुल सपोर्ट करेगी इस छोटी सी बात की वजह से तुम अपनी मंगनी को डिले नहीं कर सकते मैं अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिटी में सबको ये बता चुका हूँ कि तुम्हारी और गुड़िया की मंगनी हो रही है ये छोटी छोटी चीजों की वजह से तुम इनको अपनी अना का मसला मत बनाओ बेटा दैट्स नॉट ऑन इट वॉन्ट डू यू एनी गुड ओके बी हैप्पी एक बात समझ नहीं आ रही कि डैड को किसी से मशवरा किए बगैर ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी पता नहीं उनको किस बात की इतनी जल्दी है तुम्हें तो पता है तुम्हारे डैड मुझे कुछ नहीं बताते आई हैव नो आईडिया व्हाट ही इज डन आप मुझे ये बताएं कि अब मैं हमदान से क्या कहूं मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी और डैड ने सब खराब कर दिया हाँ मुझे अंदाजा है तुम्हारे डैड की हरकत के बाद वो बड़ा अपसेट होगा लेकिन अभी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि रजा को घर में वापस कैसे लेके आए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही मॉम
रजा की वापसी को आपने अपने दिमाग पर सवार क्यों कर लिया है? इस वक्त मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, आप ये सोचें कि मुझे इससे कैसे निकालना है। तुम एक काम करो ना, हमदान को फोन करो और उसे कहो तुम्हें कुछ पता नहीं था। वो मेरी कॉल अटेंड करेंगे तो मैं कोई बात एक्सप्लेन करूंगी ना उनको मॉम, उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा डोंट वरी, मैं उसे कॉल करती हूँ, शायद समझ जाए। प्लीज आप उनसे बात करें, हो सकता है वो आपकी बात का यकीन कर लें। और मैं रजा से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज पहले आप ये हमदान वाला सारा मसला फिक्स करें। मैं उसे अभी फोन करती हूँ, लेट्स सी व्हाट ही सेज। अंकल और आंटी ने पूछा तो क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ पूछा तो आई हैंडल इट, आप फिक्र नहीं करें। एंड ट्रस्ट मी हमदान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। शायद तुम्हारा इशू ना हो लेकिन मेरा इशू है गुड़िया, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी चीज से महरूम रखूं। और क्यों रखूं, तो यू डिजर्व द बेस्ट। मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे साथ, मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं। एक मजबूर बाप क्या और कर सकता है, वरना मेरी बेटी मर जाएगी, उसको बचा लो। अगर तुम्हारी मोहब्बत बाजार में बिक रही होती ना, तो मैं अपनी पूरी दौलत लुटाकर अपनी बेटी के कदमों में डाल देता। लेकिन उसको खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम दे सकते हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन जो भी है, खुदारा मेरी बेटी के हाल पर रहम कर, उसे बचा लो। हेलो हेलो हैना, बोलो क्या वो सब खैरियत? वो मुझे आपको थैंक यू कहना था। मुझे थैंक यू बोलना? क्यों? आपने जो मुझे असाइनमेंट बना के दिया था ना, वो क्लास में सबसे ज्यादा पसंद आया है। और मेरे प्रोफेसर भी बहुत खुश हैं मुझसे, सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे ही आए हैं, इसलिए थैंक यू। दैट्स अमेजिंग, फिर तो तुम्हारी क्लास में बहुत वाहवाह हो गई होगी। ऐसी वैसी, अब तो सारी लड़कियां मुझसे ही नोट्स मांग रही हैं। That's very nice. Exams की कोई डेट मिली क्या? जी बस इसी वीक से शुरू हो रहे हैं। वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहो। वो मेरी कुछ क्लास फेलोज के साथ लाइब्रेरी जाने का प्लान बन रहा है एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं जा सकती हूँ उनके साथ? एना तुम मुझसे परमिशन क्यों मांग रही हो? और अपनी मर्जी है, जो जो चाहे करो। बस एक बात का ख्याल रखना प्लीज, के तुम्हें पिक ड्राइवर ही करेगा, ठीक है? तुम बस अकेली वापस नहीं आओगी। ठीक है, ऐसे ही करूंगी। अच्छा मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं आपसे फिर बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ओके। कब तक रूठी रहोगी? अब माफ कर दो, सब मान जाओ ना, माफ कर दो प्लीज। माफी मुझसे नहीं, अपनी बीवी से मांग।
जो सब कुछ बर्दाश्त करती है और जवाबन उफ भी नहीं कहती। ये एहसान नहीं करती है मुझ पे, हकीकत में इसी काबिल है वो। बिल्कुल भी नहीं है। मजबूर और लाचार लड़की का फायदा उठा रहे हो तुम। मजबूर और लाचार कौन? ये भतीजियां आपकी? ये दिन में जाके आसमान पे टाकी लगाएं, ये मजबूर और लाचार? क्या हो गया अम्मा, क्या घोल के पिला दिया उसने आपको? कुछ नहीं घोल के पिलाया, मैं समझ बूझ रखती हूँ, अंधी नहीं हूँ, नजर आता है मुझे। अभी सारी तुम्हीद का मकसद क्या है आखिर? देख उस्मान, तुझे अपना रवैया बदलना पड़ेगा, वरना मैं बता रही हूँ पछताएगा तू बहुत। हाँ, सारे पछतावे मेरे ही तो हिस्से में आने हैं। ऐना के साथ भी तुमने यही कुछ किया था, याद है ना? कितना समझाती थी कि ना कर, अपना रवैया बदल, ठंडा होके रहे, प्यार से बात कर, मगर तूने मेरी एक ना सुनी। अभी भी बता रही हूँ, अभी भी वक्त है, वरना। वरना क्या? क्या वरना? इससे ज्यादा आप क्या ही बर्बाद हो जाऊंगा मैं? अगर यही चलता रहा ना, किसी दिन ट्रेन के सामने आके मर जाऊंगा। खुश हो जाना भुप्पे भतीजी तुम। अरे पागल हो गए, बावला हो गए क्या? हो गया हूँ बावला, कर दिया तुम लोगों ने मुझे ऐसा। जब आओ घर में, भतीजी नामा लेके बैठी हुई है, ना आए बंदा घर वापस। तमाशा है जी। हमदान घर के ऑफर से ना बहुत अपसेट है। अच्छा, असूलन तो उसको खुश होना चाहिए कि अमजद खान का दामाद बनने पर बैठे बिठाए उसको इतना कुछ मिल रहा है। वो ऐसा लड़का है नहीं, ही इज नॉट मटेरियलिस्टिक, ही इज डिफरेंट। आई नो। वैसे मेरी तफसील से बात हुई इस टॉपिक पर उसके साथ, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, इसलिए आप मंगनी की पार्टी की प्लानिंग कीजिए। तैयारी तो एक सेकंड में हो जाएगी, बस आपके कहने की देर है अमजद। और वो जो आपके बरखुरदार गए हुए हैं बाहर, उनकी कोई रिपोर्ट है कि कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है? काफी दिनों से बात नहीं हुई, जब होगी आपको बता दूंगी ना मैं। हाँ, और भूल ना जाऊं, वो पार्टी प्लानर्स जो है ना, वो इवेंट कंपनी उनको बुलवाया है कल। गुड़िया से कहना घर पर ही है। मैं चाहता हूँ कि हमदान और गुड़िया जिस तरीके से उनकी पसंद है उस तरीके से सब कुछ हो। और अपने बरखुरदार को फोन कर दीजिएगा, उससे बोलिएगा कि कितने दिन रह गए हैं मंगनी में, और इस फंक्शन में उसका होना बहुत जरूरी है। ओके, हाँ हाँ अमजद, मैं उससे बात कर लूंगी। आप कितनी बार कह चुके हैं मुझसे, मैं जरा होके आती हूँ। और कुछ? ओके, आई नीड टू फिनिश सम वर्क। कैन आई गो नाउ? यस यू कैन। थैंक यू। Thank you. इतनी सी बात पे आप इतना परेशान हो रहे हैं? इतनी सी बात तो नहीं है। देखा जाए तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि इसको सर पर ही सवार कर लिया जाए। है ना, मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आएगी। समझना तो आपको चाहिए, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो अपने पैसों का रोब जमा रहे हैं आपके ऊपर? हो सकता है आपकी आसानी के लिए कोई मिडिल वे निकाल रहे हो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरी आसानी के लिए? जब मैंने उनसे कहा था कि ये सब कुछ मैं खुद कर लूंगा, तो फिर
उन्होंने क्यों किया? हमदान माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। और गुड़िया तो कितनी खुश नसीब है कि उसको इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले। किसी की खुश नसीबी और शायद मेरी बदनसीबी। अब ये तो एक ना एक दिन होना ही था हमदान, छह आज ही हो जाए, आप भी इस रोज रोज की टेंशन से आजाद हो जाएंगे और वो लोग भी मुतमईन हो जाएंगे। गुड़िया ने मुझसे वादा खिलाफी की है। क्या पता उसको खुद ही पता ना हो इस बात का। ये फैसला उसके पेरेंट्स का हो, आपको उसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। बच्ची तो नहीं, उसको कैसे नहीं बताओगे ये सब? कैसे भी है ना, तुम उसको इतना डिफेंड क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ बाप जितने भी लिबरल हो जाएं, वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को मजबूर कर ही देते हैं। आप उससे एक दफा बात कर लें, मुझे यकीन है कि वो भी इतनी ही परेशान होगी। ट्रस्ट मी हमदान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। क्यों, मेरा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया? बेटे मैं खुद तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था और जो मैंने देखा है आई डिडंट लाइक इट। पता उसको खुद ही पता ना हो इस बात का। ये फैसला उसके पेरेंट्स का हो, आपको उसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ बाप जितने भी लिबरल हो जाएं, वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को मजबूर कर ही देते हैं। आप उससे एक दफ़ा बात कर लें, मुझे यकीन है कि वो भी इतनी ही परेशान होगी।